आइए बच्चों, आज हम देखते हैं वर्कशीट नंबर 24, जो कि है 28 अगस्त की वर्कशीट। देखते देखते मंथ बीतता जा रहा है। अब हम देखने वाले हैं साइंस की वर्कशीट, उसके बाद हम देखेंगे मैथ और फिर हिंदी की वर्कशीट। साइंस की वर्कशीट में हम देख रहे हैं लाइफ प्रोसेस, जो चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे। उसके अंदर हम द्वारा जो सब टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन, सिंपल भाषा में सांस लेना। और रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फूड। तो इसके अंदर क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है। देखो, आपने खाना खाया, अब खाना अपने आप एनर्जी नहीं देता, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। जो प्रोसेस होता है उसके अंदर क्या होता है, आप एनर्जी उसमें से निकालते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की नीड होती है जिससे हम फूड में से एनर्जी निकालते हैं। अब पहला इसका स्टेप होता है ब्रीदिंग, सांस लेना मत भूलना, जल्दी से ले लो। गैसियस एक्सचेंज, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ CO2। तो पहला स्टेप हो गया, आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आप एक्सहेल करते हो। स्टेप नंबर टू, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड सेल। तो सेकेंड स्टेप होता है, इस ऑक्सीजन का यूज होता है और सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर जैसे का नाम है, सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है। तो ये ऑक्सीजन जाके सेल के अंदर एक केमिकल फॉर्मूला, उनके बीच में एक प्रोसेस होता है जिसके साथ आपकी फूड में से उसकी एनर्जी हम बाहर निकाल लेते हैं और अपने लिए यूज करते हैं। अब दो तरह का रेस्पिरेशन होता है, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनोरोबिक। कैसे याद रखें, एरोबिक, एरोबिक जैसे नाम है एयर, एरोबिक तो उसके अंदर एयर चाहिए, एयर का मतलब हो गया ऑक्सीजन, तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है। एनारोबिक, एनारोबिक मतलब नॉट एरोबिक, तो आप समझ सकते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन नहीं होती उसके अंदर रेस्पिरेशन, इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। अब एरोबिक रेस्पिरेशन मिटोकॉन्ड्रिया में होती है, ये एक सेल का पार्ट है, हमने लास्ट वीडियो में सेल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स देखे थे। और एनारोबिक जो है वो क्या होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर, ये बेसिकली यीस्ट के अंदर देखी जाती है। एंड प्रोडक्ट आर CO2 एंड वाटर, तो एट द एंड जो मिलता है हमें इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर। तो आपने देखा ही होगा कार्बन डाइऑक्साइड आप एक्सहेल करते हो, वो इसी प्रोसेस से है। एंड प्रोडक्ट्स आर एल्कोहल, लैक्टिक एसिड, ये दो चीजें होती हैं इसके अंदर। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, मतलब कंप्लीटली ये हम यूज कर पाते हैं उसके अंदर, रिडक्शन इन फॉर्मेशन ऑफ CO2, वाटर, रिलीज ऑफ एनर्जी, इंपॉर्टेंट पार्ट है रिलीज ऑफ एनर्जी। यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन मतलब कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं कर पाता। रिलीज इन फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल, यहाँ से एथेनॉल बनता है, आपने पढ़ा ही होगा, यीस्ट की मदद से बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, एरोबिक के अंदर एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस अप टू 36 ATP, ATP के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। वेरेज यहाँ पर लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है और यहाँ पर वन ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो 2 ATP, देख रहे हैं आप कंपेरिजन, इसमें 36, इसमें ओनली 2 ATP प्रोड्यूस करा जाता है। अब तीन तरह की कंडीशन बन सकती है, तो यहाँ पर इन्होंने ग्लूकोज लिया है 6 कार्बन का, ठीक है। अब इसके अंदर तीन तरह की कंडीशन बन सकती है। अब इसमें जब साइटोप्लाज्म के अंदर जब वो करा जाता है, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रीवेट, PYRUVAT, इस फॉर्म को, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल की फॉर्म को हम ये नाम दिया गया। अब तीन कंडीशन हो सकती है, पहली कंडीशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, हमने पढ़ा ही था कि इसमें साइटोप्लाज्म में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के लिए होगा तो यीस्ट ये चीजें प्रोड्यूस होंगी। दूसरा कंडीशन हो गया लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कम हो, तो ऑक्सीजन कम होगा तब भी क्या होगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा और एनर्जी। खासकर आपने ये वाली जो प्रोसेस है आपने मसल्स में देखी होगी, कहाँ पे होता है, मसल्स में आपके कहीं पर क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, बहुत जोर से दौड़ के जाते हैं और आपके पैरों में क्रैम्प्स कहते हैं हम उसको, नस पे नस चढ़ जाना कहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, एक लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, तो आपको बोला जाता है कि उस पर गर्म पानी डालो, गर्म पानी में पैर रखो या फिर हिलाओ उसको, थोड़ी सी उसके अंदर पानी पियो, ऑक्सीजन लो, गहरी सांसें लो। तो बेसिकली आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ताकि उस जगह पे जाके वो
एनर्जी रिलीज कर सके, तो लैक्टिक एसिड वहां पे प्रोड्यूस होता है बेसिकली। और तीसरा होता है ऑक्सीजन, होती है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये कहाँ पे होता है, मिटोकॉन्ड्रिया में, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। तो ये तीन, ये टेबल आपको याद रखना है, तीन प्रोसीजर हो सकते हैं, ऑक्सीजन नहीं होना, कम होना और कंप्लीटली होना। आइए अब देख लेते हैं एटीपी की फुल फॉर्म, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो यहाँ पे जो ट्राई है ये इसका मतलब होता है तीन, ओके, ट्राइफॉस्फेट, तीन मॉलिक्यूल ऑफ आपके, तीन एटम ऑफ फॉस्फेट हो गए। तो यहाँ पे एडीपी भी बोला है, तो एडीपी की फुल फॉर्म क्या हो सकती है, एडनोसिन डाई, डाई मतलब दो फॉस्फेट। तो ये यहाँ पे उनके केमिकल फॉर्मूला दे रखा है एटीपी का। सो बेसिकली एटीपी क्या होता है यहाँ पे, नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो इसको एनर्जी को एटीपी में नापा जाता है, और यहाँ पे देखा यूज टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर अदर रिएक्शन ऑफ सेल्स। तो हमारी जो बॉडी में सेल्स के अंदर जो एनर्जी हम काउंट करते हैं वो एटीपी में काउंट करते हैं। आइए चलते हैं अब क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या दे रखे हैं, द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इज, तो अभी अभी हमने देखा आंसर है एटीपी। द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी टेक प्लेस इन, तो कहाँ पर होता है ये चीज, क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी कहाँ पे पाया जाता है, मीटोकॉन्ड्रिया। तो आंसर इसका हो जाएगा मीटोकॉन्ड्रिया, बी। तो ये हम मार्क कर देते हैं। सी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये इन्होंने पूरा कंप्लीट दे रखा है, ये आपको आंसर यहाँ पे एज इट इज लिखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फोर्थ आ जाता है, एक्सप्लेन द थ्री पाथवेज ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तीन पाथवेज हमने यहाँ पे देखे थे, तो ये पूरा पूरा आपको चार्ट यहाँ पे लिखना है। आंसर नंबर 5 पे आ जाते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, एंड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, ये आपके आंसर नंबर 5 हो गया। अब चलते हैं सीधा मैथ्स की वर्कशीट की तरफ। मैथ्स की 24th जो वर्कशीट है उसके अंदर हम देखने वाले हैं क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो इसके अंदर भी हम देखेंगे तीन क्राइटेरिया, कैसे आपको इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे इन सब चीज़ों को अभी बोर्ड पे। और यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, कोशिश करें इसको करने की, आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर हम उसके बाद देखेंगे इस टेबल को फिल करने की कोशिश करेंगे, एंड एट द एंड आपको ये दो क्वेश्चन सबको बोर्ड पे दिखाते हैं। और इसको करने के बाद आपसे रिक्वेस्ट है कि जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन दे रखा है वो आप जरूर करें। फिर उसके बाद हम देखेंगे हिंदी की वर्कशीट। अभी चलते हैं सीधा बोर्ड की तरफ। पहले हैं क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। लास्ट की कुछ दो वर्कशीट्स में हमने देखा था सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल होता क्या है, सिमिलैरिटी का मतलब क्या है। तो आज हम देख लेते हैं क्राइटेरिया, क्राइटेरिया का मतलब क्या हुआ, ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं जिनकी मदद से हम प्रूव कर सकते हैं कि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो दो ट्राइंगल सिमिलर का हमारा मतलब है कि एक ट्राइंगल अगर हमने ये ले लिया और एक ये ले लिया, तो मैं सिमिलैरिटी का जो सिंबल होता है वो ये एक वेव जैसा निशान होता है, इससे कहते हैं सिमिलैरिटी, ठीक है। अब ये दोनों ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं तो दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, एंगल्स जो होते हैं उसके इक्वल होते हैं, ये हमने लास्ट वर्कशीट में भी देखा था। और जो साइड्स जो होती हैं, साइड्स आर प्रपोर्शनेट। अभी हम इस क्वेश्चन में भी इसको देखेंगे, ये दो चीज़ें होती हैं। अब पहले ये दो चीज़ें होने के लिए पहले इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना होता है, जैसे हम 9th क्लास में कॉन्ग्रेंसी करते थे उसी तरीके से हम सिमिलैरिटी को भी प्रूव करते हैं, उन्हें कहते हैं क्राइटेरिया। किन बेसिस पे क्राइटेरिया, किस बेसिस पे हम प्रूव करते हैं, तो कुछ बेसिस हैं आज हम देखने वाले हैं तीन। जो पहला होता है ए ए ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, पहला होता है, इसका मतलब होता है कि जो तीन दो ट्राइंगल हैं उनके तीनों के तीनों एंगल इक्वल होते हैं, तो अगर ये चीज़ हो जाए तो वो दोनों सिमिलर हो जाते हैं। वर्कशीट में और एक चीज़ नहीं बताई, ए ए भी एक होता है, मतलब अगर मुझे दो एंगल मिल जाए, मतलब ये एंगल इक्वल और ये एंगल और ये एंगल इक्वल, तब भी इसको मैं सिमिलर कह सकता हूँ, ठीक है। ये ए ए या ए ए ए तीनों एंगल इक्वल मिल जाए या कोई भी दो एंगल इक्वल मिल जाए तो भी उसको हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। दूसरा होता है एस एस एस।
अब यहाँ पे साइड 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 इक्वल नहीं, प्रपोर्शनेट होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एक ट्रायंगल ले लेते हैं जैसे ए बी सी, और एक ले लेते हैं पी क्यू आर। तो इसका मतलब क्या, मुझे ये वाली साइड इसके प्रपोर्शनेट चाहिए। ए बी अपॉन पी क्यू शुड बी इक्वल्स टू बी सी क्यू आर के, और सी ए सी जो होगा वो पी आर के। अगर ये चीज़ मिल जाती है कि उनका जो रेशियो हो, उनका जो रेशियो हो वो अगर इक्वल हो, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। जो तीसरा होता है वो होता है एस ए एस, मतलब दो साइड प्रपोर्शनेट हो और उनके बीच का जो एंगल हो वो इक्वल हो। तो ये तो हो गए आपके क्राइटेरिया। अब जो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है, जैसे कॉन्गोलेंसी में था ना सी पी सी टी, इसमें होता है सी पी एस टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, जैसे इन्होंने बताया है ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो इसका मतलब जो बाकी बचे हुए पार्ट्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, या तो साइड्स प्रपोर्शनेट हो जाती हैं या एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो ये हमारे पास आपने वर्कशीट में देखा होगा, वहाँ पर उन्होंने बोला है कि टेबल को फिल करो, ये पहला था। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, पी जो है वो ए के साथ प्रोपोर्शनेट होगा। तो मैं अगर पहले साइड्स का एंगल का बता देता हूँ, एंगल पी विल बी इक्वल्स टू एंगल ए। क्यू जो है वो बी के साथ होगा, एंगल क्यू एंगल बी के साथ इक्वल होगा। और सी आर जो है वो सी के साथ होगा, एंगल आर विल बी इक्वल्स टू एंगल सी। ये तो एंगल की बात हो गई, मैंने बोला इक्वल होंगे। साइड की बात कर लेते हैं, पी क्यू अपॉन ए बी किसके इक्वल होगा, क्यू आर अपॉन बी सी, और पी आर इज अपॉन ए सी। तो ये प्रोपोर्शनेट होगी साइड्स, और ये होंगे एंगल्स इक्वल। इसमें आप खुद बताएं क्या होगा, मैं इसको ये वाला जो पार्ट है ये आपको खुद करना है। कमेंट सेक्शन में बताएं इसके एंगल्स और ये प्रोपोर्शनेट कैसे होंगे। आइए चलते हैं, हम वर्कशीट का पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड डी ओ सी आर सिमिलर। तो मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो ये पहली चीज़ गिवन हो गई। तो हम इसके यहाँ पर गिवन में लिख देंगे, पहली चीज़ ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ओ सी। अगर उन्होंने सिमिलर बोल दिया तो बहुत सारी चीज़ें मिल गई, कि मतलब एंगल्स भी इक्वल हैं और साइड्स प्रपोर्शनेट हैं। एंगल ओ ए बी, ओ ए बी 40 डिग्री, मतलब ये 40 डिग्री हो गया। एंगल ए ओ बी, ए ओ बी ये हो गया 50 डिग्री, ठीक है। एंड एंगल ओ बी ए, ओ बी ए चाहे नहीं भी बताते तो भी हमें मिल सकता था एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो ये पेपर में दिया नहीं होगा। देन फाइंड एंगल ओ डी सी, ओ डी सी हमें फाइंड करना है, ठीक है। और डी ओ सी, टी ओ सी, डी ओ सी ये वाला फाइंड करना है, और ओ सी डी ये वाला फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप गिवन में आप बाकी चीज़ें लिख लेंगे, टू फाइंड में भी आप लिख लेंगे, ठीक है, जो जो फाइंड करना है वो। अब सॉल्यूशन में आप चलते हैं, जब हमने बोल दिया एज ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ओ सी, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल की ही बात कर रहा, तो साइड की तो बात हमें चाहिए नहीं। तो ए जो है वो डी के इक्वल है, एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल है। एंगल ए कितना है, 40। तो देयरफॉर डी क्या है, ये वाला ओ डी सी, तो हमें ओ डी सी मिल गया, ओ डी सी इक्वल्स टू 40 डिग्री, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। और दूसरा क्या है, देखो ए वाला हो गया, अब ओ पे चलते हैं। एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ, ओ कौन सा था, ये रहा डी ओ सी। एंगल डी ओ सी इक्वल टू कितना हो गया, 50। तीसरा एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, देयरफॉर बी ये सी कौन सा है, ये रहा ओ सी डी। एंगल ओ सी डी इक्वल्स टू कितना हो गया, 90। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख देना,
CPST की फुल फॉर्म क्या है कमेंट सेक्शन में बताया, मैंने वीडियो में बताया आपको। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू एक स्टेटमेंट क्वेश्चन दे रखा है। पहले दे रखा है ट्राइंगल डी ई एफ, तो बना लेते हैं ट्राइंगल डी ई एफ। दूसरा दे रखा है ट्राइंगल पी क्यू आर, वो भी बना लेते हैं पी क्यू आर। डी ई की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देते हैं ये हो गया 2। ई एफ की वैल्यू 3 और ये एंगल है डी ई एफ, डी ई एफ तो ये हो गया 60। पी क्यू कितना है 6, क्यू आर कितना है 9 और पी क्यू आर मतलब ये वाला एंगल हो गया 60। शो दैट दिस ट्राइंगल आर सिमिलर, तो शो करना है हमें, टू प्रूव करना है। तो टू प्रूव क्या है, ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, इससे पहले हमें जो है वो गिवन का पार्ट भी लिखना होता है। तो गिवन में जो जो चीज़ें यहाँ पर, ये चीज़ें गिवन है ना, ये सब आपको यहाँ पर लिखना है और ये आपने फिगर बना दिया। अब आपने ध्यान से देखें, देखो दो साइड दे रखी है, एक एंगल दे रखा है, तो मेरे दिमाग में तो एस ए एस चल रहा है, तो मुझे उस तरीके से प्रूव करना है। मुझे इन दोनों साइड्स का प्रोपोर्शनेट करना होगा, चेक करना होगा। चलो देख लेते हैं प्रोपोर्शनेट चेक करके। तो प्रूफ इन ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, पहले देख लेता हूँ डी ई, देखो ये दोनों साइड होगी डी ई अपॉन पी क्यू, कितना आ रहा है 2/6, 2/6 कितना हो गया 1/3। दूसरा देख लेते हैं ई एफ अपॉन क्यू आर, कितना हो गया 3/9। इसको भी सॉल्व करोगे तो 1/3 आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल हो गए ना। तो देयरफॉर डी ई अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ई एफ अपॉन क्यू आर, ये हमारे पास पहली चीज़ मिल गई। दूसरी चीज़ क्या थी, एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर 60 डिग्री है, तो ये दोनों चीज़ें मिल गई। देयरफॉर ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, तो ये हमारे दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अगर कोई डाउट हो इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल, ताकि आपको नोटिफिकेशन इसकी जल्द से जल्द मिल सके, और आगे शेयर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारा भी प्रोत्साहन होता है। सो थैंक यू वॉचिंग, आप अगली वर्कशीट में चलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आइए अब आपकी हिंदी की वर्कशीट देख लेते हैं। ये है कार्यपत्रक नंबर 24, वर्कशीट 24। ये 28 अगस्त की वर्कशीट है आपकी। तो ये जो वर्कशीट है ये रचनात्मक लेखन पर है, क्रिएटिव राइटिंग पर है। तो इसमें आपने पहले पत्र लिखा था, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र के बारे में बात हुई थी, तो उसी की कंटिन्यूएशन में है। जल्दी से मैं पढ़ देती हूँ कि वर्कशीट में क्या लिखा है। बच्चों, पिछले रचनात्मक लेखन के कार्यपत्रक में आपने औपचारिक पत्र लेखन और अनौपचारिक पत्र लेखन के अंतर को जाना था। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में हमने जाना था। तो औपचारिक होते हैं फॉर्मल लेटर्स, जो बड़े अधिकारियों या किसी को फॉर्मली लिखे जाते हैं। अनौपचारिक होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स, जो आप अपने जिन्हें रिलेटिव्स को, जिन्हें आप पर्सनली जानते हैं, उनको आप लिखते हैं। और एक औपचारिक पत्र के प्रारूप लिखने का अभ्यास किया था। तो हमने एक ऑलरेडी फॉर्मल लेटर लिखने का हमने प्रैक्टिस किया था। आज हम इस कार्यपत्रक के माध्यम से औपचारिक पत्रों के प्रकार का अध्ययन करेंगे तथा दिए गए विषय पर एक औपचारिक पत्र लिखने का अभ्यास करेंगे। तो औपचारिक पत्रों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो औपचारिक पत्र फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? पहला होता है प्रार्थना पत्र। तो जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। तो ऐसे में कौन कौन से पत्र आते हैं इसमें? इसमें आते हैं अवकाश के लिए पत्र, शिकायत अगर आपको किसी चीज की करनी है, या सुधार के लिए अगर किसी से निवेदन करना है या आवेदन करना है किसी चीज का, उसके लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें प्रार्थना पत्र कहा जाता है। ये पत्र स्कूल के प्रधानाचार्य से लेकर किसी भी सरकारी विभाग के अधिकारी को भी लिखे जा सकते हैं। फिर आपके आते हैं दूसरे कार्यालयी पत्र।
तो जो पत्र कार्यालयी कामकाज के लिए लिखे जाते हैं वे कार्यालयी पत्र कहलाते हैं। ये सरकारी अफसरों या अधिकारियों, स्कूल और कॉलेज के प्रधानाध्यापकों और प्राचार्यों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में डाक अधीक्षक, समाचार पत्र के संपादक, परिवहन विभाग, थाना प्रभारी, स्कूल प्रधानाचार्य आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। तो अगर किसी में आप कोई अवकाश नहीं मांग रहे हैं या शिकायत नहीं कर रहे हैं या सुधार का आवेदन नहीं कर रहे हैं बल्कि कुछ और बात कर रहे हैं लेकिन ऑफिशियल बात कर रहे हैं तो आप कार्यालयी पत्र लिखते हैं। जैसे कि अगर आप किसी समाचार पत्र के संपादक को कोई पत्र लिखते हैं, आपको याद हो तो पिछली वर्कशीट में एग्जाम्पल आपने पढ़ा था जिसमें आप समाचार पत्र के जो संपादक है उन्हें कह रहे थे कि योग के बारे में लिखने के लिए उनसे बात आप कर रहे थे, तो वो जो है वो कार्यालयी पत्र के अंतर्गत आता है। तीसरा है आपका व्यावसायिक पत्र। तो व्यवसाय में सामान खरीदने व बेचने अथवा रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें व्यवसायिक पत्र कहते हैं। इन पत्रों में दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई चीज बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं या आप कोई व्यापार कर रहे हैं या आप कोई किताब पब्लिश कराना चाहते हैं या आप कोई पब्लिश की हुई किताब मंगा रहे हैं तो प्रकाशक को अगर आप कोई लेटर लिख रहे हैं तो ये सभी जो पत्र हैं ये व्यावसायिक पत्र में आते हैं। तो आगे चलते हैं, अब औपचारिक पत्र लिखते समय जो आपको बातें ध्यान रखनी है उनके बारे में बताया गया है। तो औपचारिक पत्र जो है वो नियमों में बंधे हुए होते हैं, तो कुछ इसके रूल्स होते हैं और वो फॉलो करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो पहला रूल ये है कि पहला तो यही है कि वो नियमों में बंधे हुए हैं तो आपको उन चीज का ध्यान रखना है। दूसरा ये है कि इस प्रकार के पत्रों में भाषा का प्रयोग बहुत ही ध्यानपूर्वक किया जाता है। तो पिछली वर्कशीट में भी हमने ये बात की थी कि भाषा का आपको बहुत ध्यान रखना है, आपको आलतू फालतू बात नहीं करनी है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है, अनावश्यक नहीं करनी है, आपको इवन कुशल मंगल समाचार भी नहीं पूछना है, आपको कोई मतलब नहीं है कि वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप उन्हें पर्सनली नहीं जानते हैं। तो इन सब बातों पे कोई बात नहीं होती, आप बस टू द पॉइंट बात करते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट स्पेसिफिक बात करते हैं। तो पत्र का आरंभ और अंत जो है प्रभावशाली होना चाहिए। तो शुरुआत जब भी आप पत्र की करेंगे तो अगेन बहुत ही अच्छे से आप करेंगे, आप बताएंगे कि आप कौन हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अगेन बहुत डिस्क्रिप्शन नहीं देना है। जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस सिचुएशन में पत्र लिखा हुआ है उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको अपना रिलेशन बताना है। तो जैसे अगर आप कहीं किसी जगह से लिख रहे हैं तो आप बताएंगे कि मैं यहाँ का निवासी हूँ, या आप जैसे पिछली बार हमने बैंक का पत्र लिखा था, बैंक को पत्र लिखा था, तो आपने बताया कि आप उनके बहुत लंबे समय से उनके ग्राहक रह चुके हैं। तो इस तरह से आप कॉन्टेक्स्ट उन्हें समझाएंगे और साथ ही इसका अंत भी प्रभावशाली होना चाहिए। तो आप ऐसे नहीं कहेंगे कि हाँ मेरा, मैंने आपको बात बोल दी और बस अब ये कर देना, आप ऐसे नहीं बात करेंगे, आप बहुत ही उनसे बहुत ही प्यार से अपना जो है जो भी आग्रह है वो आप करेंगे। तो ये जो है बहुत प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट वह सुंदर होना चाहिए। तो ऑफिशियल लेटर है तो अगेन बहुत ही फ्लारी लैंग्वेज आप यूज नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल सरल आप लैंग्वेज यहाँ, भाषा यहाँ यूज करेंगे। आपकी जो लिखाई होगी वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए और सुंदर होनी चाहिए, कुछ भी आप ऐसी गार्बल नहीं करेंगे, आप अच्छी साफ हैंडराइटिंग में साफ तरीके से ये पत्र लिखेंगे। यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन अपने पते के स्थान पर तथा क ख ग अपने नाम के स्थान पर लिखना चाहिए। तो ये पॉइंट का आप जरूर ध्यान रखिए, खासकर आप टेंथ में हैं तो आप ये जरूर ध्यान रखिए कि जब आप परीक्षा भवन में आप पत्र लिख रहे हैं, और ऑफ कोर्स ये एग्जाम में तो पत्र लेखन आता ही है, तो जब भी आप वहां पर लिखेंगे पत्र तो आप अपने पते के स्थान पर आप परीक्षा भवन लिखेंगे। तो हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी एड्रेस दिया हो, पता दिया हो, तो या तो आप वो लिखेंगे, अगर कोई एड्रेस नहीं दिया है तो आप पते के स्थान पर परीक्षा भवन लिखेंगे। और अगर अगेन प्रश्न में आपको ऑलरेडी कोई नाम दिया गया है कि आप ये हैं और आप ये पत्र लिख रहे हैं तो आप उसका नाम लिखेंगे, लेकिन अगर नाम नहीं दिया गया है तो आप परीक्षा भवन में अगर लिखेंगे तो आप क ख ग लिखेंगे। अदरवाइज क्या होता है, मार्क्स कट जाते हैं क्योंकि वो अच्छा नहीं माना जाता है, ऐसा लगता है कि आप बताना चाह रहे हैं कि ये मेरा पेपर है, तो इसलिए मार्क्स कटने के पूरे चांसेस है। तो आप परीक्षा भवन में कभी भी ऐसे ना करें।
तो अगला मेन पॉइंट है कि पत्र जो है वो पृष्ठ के बाई ओर से हाशिए के साथ मिलाकर लिखे। तो जो मार्जिन है लेफ्ट साइड पे जो मार्जिन है बाई ओर का जो हाशिया है उसके साथ साथ आपको पत्र लिखना है। अभी भी जब हम सैंपल आपको कई पत्र के दिखा चुके हैं, आज भी मैं आपको जो सैंपल दिखाऊंगी आप देख सकते हैं कि वो पूरा लेफ्ट साइड पे अलाइंड है, तो वो अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पेपर में भी आप लेफ्ट का जो मार्जिन है बस उसके साथ साथ लिखते चले जाइए। एक और मेन पॉइंट है कि पत्र को एक ही पृष्ठ में लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि तारतम्यता या लयबद्धता बनी रहे। तो कभी भी आप जब एग्जाम में खासकर जब भी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो पूरी पूरी कोशिश कीजिए कि आपका जो पत्र है वो एक ही पेज में आ जाए, उसको दो पेजों में ना लेकर जाएं, क्योंकि इससे क्या होता है फ्लो ब्रेक होता है और बहुत ही लंबा भी हो जाता है। तो आप टू द पॉइंट रहिए, खासकर ऑफिशियल लेटर तो बिल्कुल ही टू द पॉइंट रखिए, और ऑफिशियल लेटर बड़े प्यार से जो है एक पेज में कंप्लीट हो सकता है। लास्ट पॉइंट आपको यहाँ बताया गया है कि प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा व दिनांक लिखना चाहिए। तो अगर आप प्रिंसिपल को कोई लेटर लिख रहे हैं तो जो एंड में आप अपना नाम और पता लिखते हैं तो पता लिखने की जगह आप अपना नाम और कक्षा और दिनांक, डेट जो है वो जरूर लिखिएगा। आगे चल के देखते हैं कि आज का आपका क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला यहाँ पर आपको बताया गया है, अब उपरोक्त बातों का ध्यान रखते हुए निम्न कथनों को पढ़िए और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको करने हैं। आप B8 310 रोहिणी दिल्ली के निवासी हैं। तो देखिए आपको यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी पता दिया गया है, यहाँ ऑलरेडी एड्रेस दिया गया है। आपके घर के आसपास कई दिनों से बारिश के पानी का जमाव है, आप इस समस्या को दूर करना चाहते हैं। तो आपके घर के आसपास बारिश की वजह से बहुत ज्यादा पानी जमा हो गया है तो आप इस समस्या को दूर करना चाहते हैं। तो अब आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको उनका जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन है, आप इस समस्या को दूर करने के लिए किस अधिकारी को पत्र लिखेंगे? तो किस अधिकारी को आप पत्र लिख सकते हैं? तो अगर घर के आसपास बारिश का पानी जमा हो जाता है तो ये किस किस डिपार्टमेंट में आता है, कौन से कार्यालय के अंडर आता है? तो अगर आप दिल्ली के निवासी हैं तो ये दिल्ली नगर निगम, म्यूनिसिपल जो MCD दिल्ली जो है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली जो है ये उसके अंडर आता है, हिंदी में इसे दिल्ली नगर निगम कहा जाएगा। तो उसे आप, वहां के जो अधिकारी हैं उसे, उन्हें आप यहाँ पर पत्र लिखेंगे, तो वो आपका यहाँ उत्तर में आएगा। फिर है, यह पत्र किस प्रकार का होगा? तो ऑब्वियसली ये पत्र औपचारिक होगा, लेकिन औपचारिक का भी किस प्रकार का होगा? तो जैसे हमने यहाँ पर ऊपर आपको बताया कि ये जब शिकायत या सुधार के लिए आपको पत्र लिखने होते हैं, अब यहाँ पर आप शिकायत कर रहे हैं कि पानी भर गया है, साथ ही साथ आप सुधार भी चाहते हैं कि ये फिक्स हो जाए जो चीज, तो इसलिए ये जो है ये प्रार्थना पत्र होगा। फिर आप विषय में क्या लिखेंगे? तो कोई भी आप यहाँ पर पत्र लिख रहे हैं तो आपको जरूर ही विषय लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है कि आप वहां पर सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे। तो जल्दी से आपको प्रश्न एक और दो का, क और ख का मैं आपको उत्तर यहाँ पर दिखा देती हूँ। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो विषय है पत्र का, सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही छोटा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि आपका जो पूरा मेन टॉपिक है वो भी पता चल जाए, ताकि जिसको भी आपने पत्र लिखा है उसे इमीडिएटली पता चल जाए कि आपका जो लेटर है वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना बड़ा इशू है जिस पर आप लेटर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम टू द पॉइंट जो सब्जेक्ट लिखेंगे वो लिखेंगे पानी के जमाव की शिकायत हेतु। तो रीजन क्या है? हेतु मतलब किस लिए आप ये लेटर लिख रहे हैं, इसलिए। तो यहाँ लिखेंगे कि ये रीजन है, आपको शिकायत करना है इसलिए आप ये लेटर लिख रहे हैं, यही आप विषय में लिखेंगे। अगला आपका है, आप पत्र के अंत में क्या लिखेंगे? तो अंत में जब भी पत्र खत्म होता है तो आप क्या लिखते हैं? तो अंत में आप लिखते हैं, सबसे पहले अगर आप लड़के हैं तो भवदीय लिखेंगे, और अगर आप लड़का हैं तो लड़की हैं तो भवदिया लिखेंगी। तो फिर यहाँ पर लिखने के बाद आप फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर एड्रेस लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए कि एड्रेस आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये एड्रेस लिखेंगे और फिर आप मोबाइल नंबर लिखेंगे अपना। तो पत्र के अंत में यही आएगा, यही आपका उत्तर 3 है। फिर आगे चलते हैं, आपका लास्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त दिए गए विषय पर संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखने का अभ्यास कीजिए। तो ऑलरेडी यहाँ पर विषय आपको दे दिया गया है, सब कुछ मेन बातें हो गई हैं कि भाई ये प्रार्थना पत्र होगा, बस इसी पर आपको जो है लेटर लिखना है, पत्र लिखना है। तो मैं जल्दी से आपको ये पत्र भी दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में, जिसके लिए आप पत्र लिख रहे हैं, फिर अधिकारी महोदय, क्योंकि आप अधिकारी
से बात कर रहे हैं, उनको लेटर लिख रहे हैं, अगर वो लेडी है तो आप महोदया लिखेंगे, फिर दिल्ली नगर निगम। तो देखिए ये जो है मैंने गूगल से ही मैंने ये एड्रेस यहाँ पे देखा है, यहाँ पर ढूंढा है, तो आप भी यहाँ पर ये एड्रेस लिख सकते हैं क्योंकि दिल्ली नगर निगम का यही एड्रेस है। अगर आप कहीं और होते और वहां के एरिया से अगर आप लेटर लिखते तो आप वहां पर जो है वो उसका एड्रेस लिखते, तो ये जो अधिकारी महोदय हैं उनका एड्रेस यहाँ पर आएगा। फिर आप दिनांक लिखेंगे, बिल्कुल क्लियर डेट लिखेंगे। फिर आप विषय लिखेंगे, जैसे मैंने आपको कहा पानी के जमाव की शिकायत हेतु आप विषय लिखेंगे। अगर आप चाहें तो अपने शब्दों में भी यहाँ पर विषय बिल्कुल लिख सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए कि जो आपका जो टॉपिक है वो यहाँ पर आ जाए, और साथ ही साथ जो ये है बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, विषय बहुत ही टू द पॉइंट होना चाहिए। उसके बाद आप आगे लिखेंगे कंटेंट। तो कंटेंट क्या है आपका? कंटेंट यही है कि महोदय, अगेन मैंने जैसे कहा कि अगर लेडी हैं तो आप महोदया लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे मैं रोहिणी में कॉलोनी B8 का निवासी हूं। तो अगेन मैंने आपको बताया कि आपको कॉन्टेक्स्ट बताना जरूरी है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में, किस सिचुएशन में आप लिख रहे हैं। तो पिछले कुछ दिनों से भारी वर्षा के कारण हमारे क्षेत्र में पानी का जमाव हो गया है, इसलिए हम दैनिक कार्यों के लिए अपने घरों के बाहर चलने में या अपने वाहन निकालने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। आपसे सविनय निवेदन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि ये आपके लेटर का अंत है, तो यहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप निवेदन कर रहे हैं, और बहुत ही पोलाइटली बोलना जरूरी है, तो इसलिए आप बोलेंगे आपसे सविनय, मतलब कि बहुत ही काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि, निवेदन मतलब रिक्वेस्ट है कि आप अति शीघ्र इस समस्या का हल निकालें, हम सब आपके बहुत आभारी रहेंगे। तो अगेन आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप अच्छे से रिस्पेक्टफुली लिखिए, बहुत लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ये टू द पॉइंट आपका पत्र हो गया है। फिर आप लिखेंगे धन्यवाद, फिर भवदीय, अगर लड़की हैं आप तो भवदिया, फिर अपना नाम, ये एड्रेस अगेन आपको ऑलरेडी दिया गया है, और फिर मोबाइल नंबर। तो इस तरह से आप ये पत्र लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो बिल्कुल अपने शब्दों में भी इस पत्र को लिखने का अभ्यास कीजिए। अगर आप कोई सैंपल आंसर लिखते हैं तो आप हमें YouTube में कमेंट्स पर भी इस चैनल पर आप डाल सकते हैं, हमें वो देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा। उम्मीद करते हैं ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी डाउट है तो हमसे जरूर पूछिए, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।